हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। आपको पूरा सिलेबस डिटेल में समझाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाले हैं। सिलेबस से रिलेटेड बीए, बीएससी, बीकॉम का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस रहने वाला है वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, किन टॉपिक को आपको पढ़ना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। तो वीडियो से बिल्कुल एंड तक जुड़ रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जिससे पूरी वीडियो आपको समझ में आए, आगे कोई दिक्कत ना हो। बीए, बीएससी, बीकॉम तीन कोर्स लिए हैं हमने इस टॉपिक में। तो पहले हम बीए को अलग कर देते हैं, क्योंकि बीए का सिलेबस थोड़ा बीएससी और बीकॉम से अलग होता है। तो सबसे पहले हम बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी का जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें सबसे पहले आपसे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 इंग्लिश और 20 हिंदी दो आपको दिए रहेंगे। 20 इंग्लिश के क्वेश्चन दिए रहेंगे जनरल इंग्लिश के, और 20 जनरल हिंदी के क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन दोनों में से आपको एक ही चूज़ करना है, चाहे 20 इंग्लिश के करिए चाहे 20 हिंदी के करिए, ठीक है। तो आपको बता दें क्या आपको पढ़ना रहेगा। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आपको आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द एरर्स, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज, नाउन, सफिक्स, टेंस, टैग क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको जनरल इंग्लिश में ये टॉपिक आपको एकदम रट लेने हैं, पढ़ लेने हैं, पूरे समझ लेने हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और अब हिंदी की बात करें, जो लैंग्वेज सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से आपसे पूछा जाएगा वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, रस, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके इसके दिए रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के दिए रहेंगे। तो दोनों में से आपको एक ही करना, आप एक ही पढ़िएगा, चाहे जनरल हिंदी पढ़ लीजिए या चाहे जनरल इंग्लिश पढ़ लीजिए, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक ही करना रहेगा। चाहे हिंदी चूज करिए 20 क्वेश्चन, चाहे 20 क्वेश्चन इंग्लिश का चूज करिए, जो आपको बेटर लगे आप वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। आपको इसमें इसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 20 नंबर के। इसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। बीएससी का जनरल अवेयरनेस और हिंदी इंग्लिश का हमने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं आपको क्या और 120 क्वेश्चन जो और आएंगे उसमें आपको क्या पढ़ना है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी फिजिक्स के 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और मैथ के 40 क्वेश्चन। अगर आप बायो की स्ट्रीम से हैं तो आपको बायो के 40 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, वो भी आपके 11th 12th लेवल का आएगा। इससे बाहर का आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। सेट्स पूछ सकता है आपसे जो आपके 11th में था, आपसे डिफ्रेंसिएशन पूछ सकता है, इंटीग्रेशन पूछ सकता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें नहीं रहेगी। और 11th 12th बेसिस से ही आपसे पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन टोटल आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस और हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, दोनों में से हिंदी इंग्लिश में से एक ही करना रहेगा, ठीक है। और अब बीकॉम के सिलेबस की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। बीकॉम में भी आपको जो हमने पहले बताया था आर्टिकल्स, आइडेंटिफाई द एरर्स, देखिए 20 क्वेश्चन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के, और 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी के दिए रहेंगे। सिलेबस वही रहेगा जो अभी हमने आपको दिखाया, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही सिलेबस रहेगा। और इनमें से भी आपको एक ही चूज़ करना है, चाहे आप 20 क्वेश्चन हिंदी के चूज़ करिए चाहे 20 क्वेश्चन इंग्लिश के चूज़ करिए। बीकॉम का भी यही है, और जनरल अवेयरनेस का भी कोई बाहर से नहीं है, यही सिलेबस है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी यही है ज्योग्राफी, ठीक है। इन्हीं टॉपिक को आपको पूरा सब पढ़ लेना है। और फिर बात करते हैं इसके बाद 120 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या पढ़ना है। 120 क्वेश्चन का आपका वो इंटरमीडिएट लेवल का आएगा, कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटिंग, बिजनेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 11th 12th के बेसिस के ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाने वाले हैं। टोटल 120 क्वेश्चन आपके कॉमर्स से हो जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। और 10 क्वेश्चन आपसे जनरल अवेयरनेस के, अभी हमने आपको पीछे बताया 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और 20 क्वेश्चन जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में से दिए जाएंगे। चाहे आप हिंदी 20 क्वेश्चन चूज करिए चाहे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आप चूज करिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने आपको बीए, बीएससी और बीकॉम का बता दिया। और बीए का जो सिलेबस है वो हमने एक अलग वीडियो बना रखी है पूरी, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाके बीए का जो आपका सिलेबस है पूरे डिटेल में समझ सकते हैं। क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा बीएससी और बीकॉम से अलग हो जाता है, इसलिए हमने इसके अलग वीडियो बना रखी है, जिससे स्टूडेंट को आगे कोई दिक्कत ना हो, पूरी जानकारी हमने उसमें दे रखी है। इसमें हमने बीएससी और बीकॉम के टॉपिक को कवर किया है, एक बार आपको जल्दी में फिर बता देते हैं। बीएससी में आपको 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के दिए रहेंगे, इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक ही चूज़ करना है, 20 क्वेश्चन ही करने हैं। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 120 क्वेश्चन जो आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 40 क्वेश्चन फिजिक्स, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चन मैथ या 40 क्वेश्चन बायो, ठीक है। और बीकॉम में भी 120 क्वेश्चन जो आएंगे आपके कॉमर्स से रिलेटेड आएंगे, 11th 12th के बेसिस आएंगे, चाहे आप बिजनेस हो, अकाउंटिंग हो, इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन से रिलेटेड पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जनरल
जनरल अवेयरनेस, और जो 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश में से आपको एक ही चूज़ करना है, और वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करना है। और कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, आपको आराम से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किसी क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।